गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग देख रहे थे, ग्राफ पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। साइन अक्ष ग्राफ आपको बताए थे, कॉस अक्ष ग्राफ बताए थे, कॉस अक्ष ग्राफ बताए थे, आप लोग बनाए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर बनाए होंगे। अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। चलते हैं टेन एक्स पर। टेन एक्स का ग्राफ वाइजिकल टू टेन एक्स, कैसे वैल्यू निकालना है, कहां से कहां तक इसका रेंज, माइनस पाई पाई पाई, और इसका रेंज कितना होता है, रेंज माइनस इनफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन टेन एक्स लेस देन इनफिनिटी, बताया था रेंज। रेंज और डोमेन दोनों बताए थे आपने, कोशिश भी किया होगा, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कोशिश किया होगा, और जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो जरूर कोशिश करके वैल्यू निकाले देखते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में गलत हो, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, किताब में भी है। तो चलिए मान निकालते हैं, पहले पॉजिटिव में निकाल लेते हैं, जीरो से 180 डिग्री, 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को लिखते हैं माइनस 180 लेंस इक्वल टू एक्स लेंस इक्वल टू 180 डिग्री। बना लो एक्स 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 150 और 165 180, ये हो गया एक्स। वाई इजिकल टू टेन एक्स, वैल्यू बनाओ 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 और 180। देखो 15 का डिफरेंस पर लिए हैं हम, एक्स एक्सिस में कितना का, 15 का। यहाँ आओ, 0 का मान 0, 10 0 का मान 0, 10 45 का मान 1, 10 30 का मान 1 बाय रूट 3, इसको निकालना है, 10 60 का मान रूट 3, जानते हो 1.732, 10 75 जानते हैं 90 का इन्फिनिटिव, 105, अब पहले सब का मान निकाल के तब ना उल्टा चलेगा। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये यहाँ से आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, ध्यान रखना इधर निगेटिव वैल्यू होगा इसी का उल्टा। अब चलिए 10 15 का मान निकालो, कितना होगा 15, जानते हो तुम लोग 10 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, 15 को निकालने बताए थे, यानी 10 45 माइनस 10 30 बटे 1 प्लस 10 45 10 30, ये कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय रूट 3 बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट 3, कितना हो गया ये माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1, 1 बटे रूट 3 प्लस 1 इस टाइप से। तो चलो रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1 मान रख दो, इसका मान कितना 1.732 माइनस 1, 1.732 प्लस 1 2.732 0.2 से 0.2 इतना 2.732 कट गया, ये कट गया 732 बाय 27, 32 दशमलव जगह सुनना, 27 दूनी 54.26 आसपास आएगा, इसका मान कितना आ गया 0.26 रूट 3, 1 बाय रूट 3 का मतलब 1 बाय रूट 3 का 1.732 कट जाएगा 3 दशमलव जगह सुनना, 17.85 8.58 1 75, इसी को प्लस कर लो 75 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ई प्लस ई माइनस, यानी हो जाएगा 27 32 बाई 700 इतना 3.17 3.7 21
732, 3.73 इन्फिनिटी माइनस होगा ही माइनस 3.73 माइनस 1.73 माइनस 1 माइनस 0.58 माइनस 0.26 और ये 0 180 पर 0 निकल गया ही। प्लस वाला किसका निकालना है अब, माइनस वाला इसके बाद ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है। कितना आसान है मान निकालना, थोड़ा सा मान निकालोगे, इस सब का मान निकालोगे, केवल देख के नहीं बताना, इसे मान निकालोगे तो देखो छोटा सा कैलकुलेशन भी आपका होगा, इससे आप सीखेंगे, कैलकुलेशन भी सीखेंगे, चूँकि अभी सीखने का एज है, 11th में ही सीखने का एज है, 11th 12th, इसके बाद फिर आपको समय नहीं मिलेगा, लोग कह के निकल जाएंगे। एक्स वाई इक्वल टू 10x, अब कितना माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 माइनस 60 माइनस 75 माइनस 90 माइनस 105 माइनस 120 माइनस 135 माइनस 150 माइनस 165 माइनस 180 यही है आपका। तो देखो तो ये देखो तो उल्टा जब चलेंगे, इस तरह से मैंने कहा था, इस तरह से उल्टा चलोगे तो 0 ये 15 ये 15 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 जैसे कौन क्वाड्रेंट माइनस 90 तक, फोर्थ इधर जाओगे माइनस 105 माइनस 120 इस तरह से यहाँ तक माइनस 180 कितना थर्ड। तो देखो तो यहाँ माइनस 15 से 90 तक कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ध्यान रखना निगेटिव पॉजिटिव का, इधर से आते हो पॉजिटिव इधर से आते हो तो निगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस 90 से माइनस 180 के बीच में कौन हो जाएगा, माइनस 90 से 180 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो तो आप जानते हैं ये फार्मूला 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा, इसका मतलब माइनस जो 15 का मान है वही यहाँ होगा माइनस 0.26, सब में माइनस लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 0.58 माइनस 1 माइनस 1.73 माइनस 3.73 माइनस नेगेटिव, अब 105 इधर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में दो क्या हो गया 3.73 1.73 1.58 0.26 और 0 देख लो, इसी से निकाल देंगे केवल निगेटिव पॉजिटिव देख के वैल्यू फार्मूला से। अब आपका निकल जाएगा, आराम से निकाल लीजिए ग्राफ। क्या ग्राफ बनेगा, इधर बना देते हैं, जगह है चूंकि जगह तो कम है तो क्या करें, वाई वाई डैश 15 डिग्री 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 यहाँ भी माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 माइनस 60 माइनस 75 माइनस 90 माइनस 105 माइनस 120 माइनस 135 माइनस 150 माइनस 165 माइनस 180 इस तरह से। इसका वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक, माइनस डिग्री से डिग्री तक, यानी कि 1 और 1 के बीच में नहीं है, साइन और कॉस का मान 1 से 1 के बीच में, इसका माइनस डिग्री से डिग्री ले लो, पॉइंट जितना तक लेना है ले लो ही 0.5 1 1.5 2 और 5 3 3.5 तक ले लिए, माइनस 0.5 माइनस 1 माइनस 1.5 माइनस 2 माइनस 2.5 माइनस 3 माइनस 3.5 डॉट 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 ले लो 0 पर 0 जहाँ जहाँ देखो तो इन्फिनिटिव है वहाँ लकीर खींच दो, 90 पर इन्फिनिटिव है लकीर खींच दो, एक इधर भी लकीर खींचो माइनस 90 पर इन्फिनिटिव है लकीर खींच दो, 180 पर भी 0 है तो लकीर खींच दो, आके यहाँ मिलेगा, यहाँ भी 180 पर है लकीर खींच दो। अब बनाओ 0 पर 0 15 पर 0.26 15 पर 0.26 इसके बाद 30 पर 0.58 30 पर 0.58 चलो 45 पर 1 45 पर कहाँ जाओगे 1 और 0 पर 0 0 पर 0 60 पर 1.73 1.73 75 पर 3.73 इन्फिनिटिव उसी तरह, यानी इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका, इसे सटेगा नहीं सटेगा नहीं। अब इधर भी आ जाओ 105 से 105 में निगेटिव की पॉजिटिव निगेटिव
105 डिग्री निगेटिव, इधर देखो निगेटिव इतने होगा, यही है 120 120, यहाँ आओ 120, यानी इस तरह से 180 पर जीरो, इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका 180 पर जीरो सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव। हो गया 90 पर इन्फिनिटिव, ले लिए 90 पर इन्फिनिटिव, निगेटिव न है, और 105 इधर आएगा, सॉरी 105 प्लस इधर ना आएगा, 105 इधर लाओ, यहाँ लाओ 3.2 105, यानी इस तरह से ग्राफ बनेगा, और इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से पॉजिटिव, ये ग्राफ बनेगा उल्टे, मार्शला इधर हम ले लिए थे, पॉजिटिव में इधर सब, यही आपका यहाँ लिख भी देना, वन डिवीजन लिख सकते हो, ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस पर एक डिवीजन लिए कितना डिग्री 15, फिर लिखना वन डिवीजन ऑन वाई एक्सिस, अब सब अंडरस्टूड हो गया, ग्राफ देख के पता चलता है 0.5, अंडरस्टूड भी छोड़ देता है अब लोग लिखना, लेकिन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो जुलाई, अब लोग लिख सकता है क्योंकि ग्राफ देख के पता चल जाता है, आप देखते होंगे बहुत जगह आप टीवी में ग्राफ या हर चीज़ का ग्राफ या इसमें ग्राफ क्या नाम कहते हो मैच में देखता होगा, क्रिकेट में ग्राफ आता है किसका कैसे रन बना रहा है, कौन कितना विकेट ले रहा है, किस दर से इस ओवर में कितना रन लिया है, तो अब लिखता नहीं कि ये रन वाला है ये वाला है, ये अब अंडरस्टूड होता कि ये डिग्री दिए हैं तो डिग्री वाला ये है 15 डिग्री में लिया है, और ये 0.5 में बांटा है, चुके लकीर पर दे चुके हैं हम, वाई एक्सिस पर बांट चुके हैं, या लिखना है तो लिख देना, तुम्हारी इच्छा करता है, जो इच्छा करता है लिख दो। हाँ कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अक्षय कुमार, कुमोद कुमार, यादव अभय, ऋषभ यादव, आनंद कुमार, अभिनव आनंद, गौरव कुमार, मुकेश कुमार, अभिनव आनंद, छोटू कुमार, छोटू कुमार, हो गया ग्राफ, बिल्कुल सही समझो, ग्राफ पर ही बनेगा, देखते हो गांव घर में झालर देखे हो ना, लगाता है शादी ब्याह में वही झालर है, ये वही झालर है, वही झालर है जी, झालर पर है, ग्राफ पकड़ लोगे तो लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफ्रेंशिएशन हो, कैलकुलस भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में ग्राफ पर कोई भी प्रॉब्लम ग्राफ पर बहुत आसान हो जाता है, ग्राफ पर देख के बता दोगे लिमिटिंग वैल्यू कितना है,
इसका लिमिटिंग वैल्यू ग्राफ पर कितना होगा, इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, कंटिन्यूस है कि नहीं है देख के बता देंगे ग्राफ, इसका दिमाग में रख के तो अभी फंक्शन लिखो बता देंगे कंटिन्यूस है कि नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इंटीग्रेबल है कि नहीं है, यही सब है। हाँ झालर है साहब, ब्याह शादी में देखते हो झालर छोटू कुमार उसी तरह है। कर्व है, कर्व जिसको वक्र कहते हो, सीधा रेखा खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होता है, सीधी रेखा को बोलते हैं। ये देखो कर्व टाइप का है, वक्र टाइप का, सीधी रेखा नहीं है, वक्र टाइप का ग्राफ बनता है सबका। हो गया, हो गया होगा, मिटा दूं। जादू जी हो गया होगा, कॉट कॉट का वैल्यू भी कहां तक कहां तक, वाई इजिकल टू कॉट एक्स ई वी माइनस पाई लेज इजिकल टू एक्स लेज इजिकल टू पाई तक लेना है, यानी माइनस 180 डिग्री, यही दिमाग में रखना। अभी पाई का मान निकालेंगे हम, पाई पर भी करेंगे, बहुत सारे सवाल इस तरह से मिलेगा आपको। वाई इजिकल टू पाई प्लस साइन एक्स का निकालिए ग्राफ, पाई प्लस साइन एक्स का ग्राफ निकालिए, पाई प्लस साइन एक्स का ग्राफ निकालिए, है ना, पाई प्लस साइन एक्स का ग्राफ निकालिए, इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। तो इसलिए इसे को बांट के रखना, हो गया। अब देखो जस्ट उल्टा बनाओ, टेन का उल्टा वैल्यू हो जाएगा कॉस में, एक्स वाई इक्वल टू कॉट एक्स, जीरो पंद्रह तीस पैतालीस साठ पचहत्तर साठ पचहत्तर नब्बे 105 120 135 150 165 180 जीरो पंद्रह तीस पैंतालीस साठ पचहत्तर नब्बे 105 120 125 150 165 169 निकालो कॉट। जीरो का मान क्या होता है जाने हैं बताए हैं पीछे वीडियो में देख लीजिए। पंद्रह का मान एकदम उल्टा लेके चलो 3.73 732 1.58 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा सब, ध्यान रखना कॉटन है, फर्स्ट वन में ऑल पॉजिटिव होता है 0.26 और ये कितना है जीरो। अब 105 घुमाओ 0.26 निगेटिव में 0.58 माइनस वन 1.732 माइनस 3.73 माइनस नब्बे सेकेंड क्वार में निगेटिव। दूसरा बना लो इसी तरह, यहाँ पर ये देखो सेकेंड क्वार इधर से लिखते हैं, दर से जगह छेक लेता है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, बनाओ एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 105 माइनस 120 माइनस 135 माइनस 150 माइनस 165 और 180। देखो छुटाने को
तीस पैंतालीस साठ नब्बे 105 120 120 ठीक है। अब देखो तो अब तुम लोग देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फिर भी जानते हो फॉर्मूला कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, दिमाग में रखना। तो देखो तो माइनस पंद्रह यानी कॉट माइनस पंद्रह इक्वल टू माइनस कॉट पंद्रह, लगाओ माइनस 3.73 माइनस 1.732 वन माइनस 0.58 माइनस 15 30 45 60 75 छुटा ना, यहाँ 75 छुटा, माइनस 75 माइनस 90 माइनस 120 75 90 120 105 120 135 150 165 और माइनस 180 बोले छूटा है, माइनस 0.26 और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा प्लस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है प्लस में 0.26 0.58 वन 1.732 3.73 इन्फिनिटी। वही लिखल है, इसको लिखल रहने दीजिए, इतने बांटेंगे घर, सेम है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश कितना, जीरो 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 180 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 माइनस 60 माइनस 75 माइनस 105 माइनस 120 माइनस 135 माइनस 150 माइनस 165 माइनस 180। देखो जी यहाँ 0.5 1 1.5 2 5 3 3.5 माइनस 0.5 माइनस 1 माइनस 1.5 2 माइनस 2.5 माइनस 3 माइनस 3.5 माइनस 4, यहाँ भी ले लो माइनस 4, ये 4 इस तरह से निकाल लिया। अब तुम फिर देखो जहाँ इन्फिनिटिव है जीरो पर इन्फिनिटिव है, लकीर है ही, 90 पर जीरो है, जहाँ पर जीरो है लाइन खींच दो सीधी लाइन, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, लाइन खींच दो सीधी लाइन छूट गया था जीरो। यहाँ पर देखो इन्फिनिटिव है 180 पर इन्फिनिटिव, यहाँ भी 180 है इन्फिनिटिव, खींच दो। अब लगाओ जीरो पर इन्फिनिटिव, 15 पर इतना 15 डिग्री है इतना 3.73 31 पॉइंट इतना 45 पर 1 देखो 60 पर 0.26 60 पर 0.58 60 पर 0.58 26 और 0। इसी तरह से तुम करोगे इस तरह से वैल्यू आएगा आपका, इस तरह से ग्राफ बनाओगे इस तरह से ग्राफ आएगा आपका, यही ग्राफ है किसका, वाई इक्वल टू कॉट एक्स का। देखो कैसे उल्टा कॉस टेन में था इस तरह से, टेन में था इस तरह से, ये उल्टा आया, देख लो कॉस का, कॉस इधर से ये इधर से घूमता है, कॉस इधर से ये इधर से घूमता है। लास्ट चैप्टर है त्रिकोणोमेट्री का, कल खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना, कल खत्म कर देंगे इसको।
ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट चैप्टर हो गया। हो गया, साथ ही स्क्रीन शॉट लो और क्या। इसी में सेक और कॉसेक बचा, लेकिन तुमको हम बताते हैं y इक्वल टू इस तरह से पूछ सकता है पाई प्लस साइन एक्स का ग्राफ बताइए, y इक्वल टू पाई इंटू टेन एक्स का ग्राफ बताइए, ऐसा सब भी सवाल आपके पास हो सकता है, ऐसा सब भी सवाल आपके पास हो सकता है, पूछ सकता है। लेकिन पहले साइन और सेक और कोसेक का y इक्वल टू सेक एक्स किसके बीच में माइनस पाई लेंस इक्वल टू एक्स लेंस इक्वल टू पाई देख लिया जाए क्या होता है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसका रेंज होता है याद नहीं होगा, ये कहता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, यूनियन वन से इन्फिनिटी, या कोई कोई अलग अलग भी लिख देता है। एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स जीरो डिग्री पंद्रह डिग्री तीस पैंतालीस साठ पचहत्तर नब्बे, फिर क्या कहोगे एक सौ पाँच एक सौ बीस एक सौ पैंतीस एक सौ पचास एक सौ पैंसठ एक सौ अस्सी, इस तरह से देखो तो सेक जीरो का मान कितना वन, इसका मान देख लो माइनस वन इधर बीच में नहीं है जीरो जीरो नहीं होता, इसका मान पंद्रह पंद्रह तो निकाल लेंगे, देखो तो साइन से कॉस पंद्रह इक्वल टू कितना निकाला था पॉइंट नाइन सेवन कॉस पंद्रह, तो सेक पंद्रह वन बटे कॉस पंद्रह वन बटे पॉइंट नाइन सेवन कट गया, देखो तो 1.02 का आसपास होगा 1.02 पंद्रह तीस तीस का मान रूट थ्री बाई टू टू बटे रूट थ्री होता है देख लेना, तुम लोग बताए थे टू बटे 1.732 दशमलव कटेगा क्या हो जाएगा निकालने बता रहे हैं, ऐसे तो आजकल तुम लोग के पास मोबाइल है तुरंत भाग देते हो 1.03 पैंतालीस वन बाय रूट रूट टू 1.414 साठ साठ का मान टू पचहत्तर वन बाय पॉइंट टू सिक्स यही था पचहत्तर कॉस पचहत्तर पॉइंट टू सिक्स देख लो निकाले थे पिछले ग्राफ में, भाग दो खत्म हो जाएगा एक सौ छब्बीस दिया थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट बच जाएगा अठहत्तर बाईस ना बाईस पर जीरो बाईस पर जीरो दो सौ बीस यानी आठ इस तरह से कुछ बनेगा, देखिए तो थ्री पॉइंट एट आसपास यही होगा, देख लो नब्बे पर इन्फिनिटिव चूंकि कॉस जीरो का मान कॉस नब्बे का मान इन्फिनिटिव तो वन बटे कॉस नब्बे होता है सेक
वन बटे इन्फिनिटिव जीरो, सॉरी जीरो ना जीरो, तो ये जीरो इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव 105। अब देखो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट बताए थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकेंड में निगेटिव, निगेटिव में वैल्यू आएगा उल्टा के लिख दो 3.8 माइनस 2 माइनस 1.414 माइनस 1.0302। ये वैल्यू हम आसपास का लिखे हैं, ध्यान रखना कंफर्म नहीं लिखे हैं, आसपास का वैल्यू लिखे हैं, हो सकता है पॉइंट में इधर उधर हो, कुछ ऐसा नहीं है कि हम कंफर्म होके कैलकुलेटर से लिखे हैं, अपना देखना किताब में एक मोटा मोटी हम बताते हैं इस तरह से होता है, ना तो मेरे पास कैलकुलेटर है, हम दिमाग से भाग दे के अपना निकाले हैं, हो सकता है इधर उधर हो, मिस किया होगा इधर उधर हो पॉइंट में, निकाल लेना अपना। एक्स वाई इक्वल टू माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 माइनस 60 माइनस 75 माइनस 90 माइनस 105 माइनस 120 माइनस 135 माइनस 150 माइनस 165 माइनस 180, इस तरह से देख लो। अब यहाँ देखो दी कौन क्वाड्रेंट, जल्दी बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, यहाँ भी आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, देख लेना। तो यहाँ बताओ पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा 15 1.02 1.03 414 2 3.8 और इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर निगेटिव लॉ, निगेटिव में वैल्यू क्या होगा माइनस 3.8 माइनस 3.8 माइनस 2 माइनस 1.414 03 माइनस 1.02 माइनस 1 डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, कितना बांटोगे अपना 1 डिवीजन ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180, माइनस में माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 माइनस 60 माइनस 75 माइनस 105 माइनस माइनस 90 माइनस 105 माइनस 120 माइनस 135 माइनस 150 165 माइनस 180। ये 0.5 ले लो, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 माइनस 0.5 माइनस 1 माइनस 1.5 माइनस 2 माइनस 2.5 माइनस 3 3.5, इस तरह से। अब लगाओ वैल्यू, देखो तो फीट 90 पर कितना है इन्फिनिटिव, मार दो वहाँ 180 पर, 180 पर भी लेकर लकीर खींच दो, माइनस 90 यहाँ है, 180 का लकीर यहाँ खींच दो, अब बैठा दो। देखो तो जीरो पर कितना है 1, जीरो पर 1, 15 पर 1, 15 पर इतना है, 30 पर इतना है, और ये बताओ 45 पर 1.414, इस तरह से। साठ पर दो 75 पर 3.8 पचहत्तर 3.8 और इस पर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, इस तरह से। यानी मोटा मोटी आपका ग्राफ इस तरह से आएगा आपका, देख लीजिए, चूंकि माइनस में लीजिएगा 105 105, इधर आओ इधर माइनस 90 पर लीजिएगा तो वही आएगा माइनस 90 पर, देख लीजिए इधर पॉजिटिव में, और यहाँ 105 105 माइनस 3.8
एक सौ पांच में माइनस 3.8, इस तरह से 3.8 और नीचे। इसके बाद 120 माइनस 2, 120 माइनस 2, इस तरह से माइनस 35, यानी इस तरह से माइनस 1 कहाँ पर, यहाँ पर है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और माइनस 1 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस से 1 होगा, यहाँ भी आप माइनस 1 लीजिए, इस तरह से ग्राफ बनेगा। किसका देखो, ये भी झालर की तरह है ग्राफ, किसका ग्राफ है ये, ये भी झालर की तरह ग्राफ है आपका, ये भी झालर की तरह ग्राफ है, झालर की तरह है ग्राफ, है ना, झालर की तरह ग्राफ है। ये आपका हो गया सेक का ग्राफ, को दिमाग में रखना है, एक मोटा मोटी फिगर दिमाग में रखना है। पहले 11th में पूछता था ग्राफ, किसी एक का ग्राफ पूछता था, अब ग्राफ नहीं पूछता है, पहले किसी एक का ग्राफ पूछता था, अब ग्राफ नहीं पूछता है। फिर भी आपको ग्राफ को दिमाग में रखना है, अगर अच्छा से मैथ सीखना है तो, मैथ सीखना है तो, नहीं तो बहुत परेशानी, बहुत परेशानी होगी। बता देते हैं, हो गया होगा, मिटा दूं, मोटा मोटी मेरे दिमाग में लगता है कि बैठ रहा होगा फिगर, फिगर बैठ रहा होगा मोटा मोटी। कॉसेक किसके ऊपर काम करेंगे आप, कॉसेक सब यही रहेगा, खाली वैल्यू उल्टा देना। कॉसेक जीरो का मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, तुम लोग कोई कोशिश नहीं किया होगा, कोई लोग कोशिश नहीं किया होगा कॉस का, नहीं कोई बनाया था कि नहीं बनाया था कॉस का, पता है हमको कॉस का कितना लोग बनाया होगा, कॉस का कितना लोग बनाए हो पता है हमको। हाँ बनाए थे आनंद जी, देखिए ये हो गया होगा, यहीं पर हम बदल देते हैं, कॉस एक सेम सब चीज होता है, तुरंत बना देते हैं ग्राफ, इसका कॉस एक अक्ष, तुरंत ग्राफ बनेगा कॉस एक अक्ष। देखो तो वाई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ, कॉस एक अक्ष, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड फोर और थर्ड में निगेटिव, फोर और थर्ड में निगेटिव। मान देखो यहाँ से उल्टा के लिखो, यहाँ से ये कहता है इन्फिनिटिव, फिर कहता है 3.8, फिर कहता है 2, फिर रहेगा ही, फिर कहता था, कहता था ये 1.03, 1.02, और ये कितना हो जाएगा 0.1। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, उल्टा के लिखो, पॉजिटिव है 1.02, 1.03, 1.414, 1.414, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका कितना 3.8, और ये कितना हो जाएगा 180 पर इन्फिनिटिव, पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव आएगा सब 15 पर, आप लोग अलग से लिखना, अलग से लिखना, तुम लोग अलग से लिखना, अलग से लिखना है, इन्हें कि इसी में तुम लोग भी काट कूट कर देना। अब देखो 15 पर निगेटिव होगा तो माइनस 15 माइनस 3.8,
माइनस टू माइनस वन पॉइंट फोर वन फोर माइनस वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो टू माइनस वन पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट थर्ड में भी निगेटिव, इसलिए सब में निगेटिव लेते जाते हैं हम। फोर वन फोर माइनस टू माइनस थ्री पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट, तो ग्राफ पर भी सब चीज़ बना हुआ है। ये है देखो, यहाँ से खाली मिटाओ इसको, इसको मिटाओ, सब चीज़ बना हुआ है सेम रहेगा। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, एगो देख लो फिर कैसे आएगा देख करके। जीरो पर इन्फिनिटिव, जीरो पर कितना है इन्फिनिटिव, यही जीरो है इन्फिनिटिव। पंद्रह पर थ्री पॉइंट एट, पंद्रह पर थ्री पॉइंट एट, यही है आपका। तीस पर दो, तीस पर दो देख लो। पैंतालीस पर वन पॉइंट फोर वन फोर, यही है पैंतालीस। साठ वन पॉइंट जीरो थ्री, एक बार देखो। पचहत्तर वन पॉइंट जीरो टू माइ वन, नब्बे पर कितना है वन। फिर एक सौ पाँच पॉजिटिव है, वन पॉइंट जीरो टू, वन पॉइंट जीरो टू, एक सौ पाँच। नब्बे पर खींचा गया है क्या जी, लकीर नब्बे पर नहीं खींचा करके एक सौ पाँच पर खींचा गया था, ये एक सौ पाँच है। इस तरह से अब आओ, एक सौ पाँच वन पॉइंट जीरो टू, यानी देखो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। और यहाँ भी माइनस वन पर मोटा मोटी ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका, देख लो। एकदम झालर के तरह सजाते हैं हम लोग, वही सजावट है, देख लो कैसा बनेगा। दिमाग में रखना, इधर पॉजिटिव से इधर निगेटिव, और पॉजिटिव में बनेगा ऊपर की ओर ग्राफ, कर्व टाइप का, कर्व टाइप का बनेगा, यानी जिसको वक्र कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग वक्र, वक्र पढ़े होंगे आप लोग। सेक और कौशिक का हो गया है। चलो एक दो दिखा देते हैं ग्राफ, जो मेन ग्राफ होता है, जो पूछता है, कहीं भी लोग तुमको उलझाने का प्रयास करेगा, ये सब तो सब है, लेकिन कुछ कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो उलझाने का प्रयास करेगा आपको, उलझना नहीं है। हमने मोटा मोटी बनाया है ग्राफ पेपर पर, जब तुम बनाओगे ग्राफ तो मज़ा आ जाएगा, ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। अभी हम खींच देंगे, आपको निकालना है। हो गया, हो गया, जल्दी करो, सब लड़का का हो गया होगा। भाई डीपली से प्रयास करते हैं बताने का तुम लोगों को, ध्यान रखना, ऊपर ऊपर नहीं भागना है। हो गया, देखो तो इस टाइप का ग्राफ आपको बनाना है। अब अभी हम बताए थे, ये सब ग्राफ आपको बताना है, कोई भी पूछे खुलेआम बता देना, ये सब ऐसे होता है। ग्राफ को दिमाग में भी रखना है, दिमाग से बोल देना है, नहीं तो बता भी देना है। ऐसे हमको कहोगे तो हम मोटा मोटी ग्राफ खींच देंगे सबका, लेकिन कैसे होता है ये तुमको सीखना है। तुम इसको सीख करके किसी दूसरे को ही बता सकते हो कैसे ग्राफ खींचता है, या नहीं एक दो बार खींचोगे दिमाग में बैठ जाएगा। जब ग्राफ पेपर खींचोगे दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा ग्राफ इसका होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। साइन कॉस ग्राफ कैसा बताए थे, वेव टाइप का। साइन और कॉस ग्राफ कैसा बताए थे, वेव टाइप का। चलिए तो इसका ग्राफ बनाओ, पाई प्लस साइन एक्स, पाई प्लस साइन एक्स का ग्राफ, जहाँ तक लेना है एक सौ अस्सी तक लो, दे देगा यहाँ एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई इजिकल टू एक्स इजिकल टू पाई, या केवल ऐसा भी देखता है जीरो से, क्या से, जीरो से भी कर सकता है आपको बनाने, आप बना सकते हैं जिससे भी दे दे,
तो यहाँ देखो तीन घर बनाना, यहाँ कितना घर, तीन घर बनाना है बाबू, एक में एक्स, दूसरा पाई और तीसरा वाई इक्वल टू पाई प्लस साइन एक्स, पाई का मतलब 70 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ देखो साइन टू एक्स का ग्राफ बनता है, ये भी बनता है वाई इक्वल टू साइन टू एक्स का ग्राफ, ऐसा भी तुम बनाओगे। अभी इसका बता रहे हैं एक्स कहाँ से, जीरो से 180 डिग्री, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 135, 150, 165 और 180। ये जीरो एक्स का मान है जीरो से पाई के बीच में, ग्राफ ले समझना किसके बीच में, अगर ये पाई आता तब कहते कि इतने के बीच में ग्राफ आ जाएगा, लेकिन यहाँ आप देखो किसका मान, ये देखो तो जीरो प्लस वाई का ये 180, सब में जोड़ोगे मान निकालोगे 180, पहले उल्टे हो गया, ये उल्टा हो गया, पहले साइन एक्स यहां पर होगा साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स और ये हो जाएगा पाई, तब कहोगे तुम उनको जोड़ के फटाफट लिख देना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तब यहाँ वाई इक्वल टू क्या कहोगे, पाई प्लस साइन एक्स, अब दोनों का मान जोड़ के लिखेंगे, पाई का मान जानते हो 3.14, 3.14, 3.14, सब में भरना है कितना 3.14, 3.14, 3.14, 3.14, 14, 3.14, 3.14, इसका मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 15 का मान बताए थे 0.26, 30 का मान, 30 का मान बताए थे थे हाफ ना 0.5, 45 वन बाय रूट टू 0.71, 0.82, यही कुछ आसपास था 0.971। देखो इसी को पलटक सेकंड क्वार में पॉजिटिव 0.9 थी, 0.97, 0.82, 0.71, 0.5, 0.26, 180 का मान 0। अब जोड़ के लिखो 3.14, जोड़ो 6 4 10 और ये कितना हो गया 2 1 3 1 4, 3.4 जोड़ो मैं कुछ तो यहाँ 0 है कि नहीं, 3.64 जोड़ो 3.415, 7 1 8 इतना, 4 2 6 और 8 1 9, 3.96 की जोड़ो 7 4 11, 9 1 10 1 11 के नंबर लिख 4.11, ये देखो तो 4.14, ये देखो 9 9 4 7 4 11, 9 1 10 1 11, 4.11, फिर यही आ जाएगा आपका 3.96, 3.85, 3.64, 3.40, 3.14, यही है आपका 40 है, यही है आपका ग्राफ, इसी पर बनाना है आपको, इसको भी बांटना है आपको, कैसे बांटेंगे ये देखना है आपको, कैसे बांटेंगे ये देखना है, 0 15 30 45 60 75 90,
नब्बे एक सौ बीस एक पैंसठ एक सौ पचास एक सौ पैंसठ एक सौ अस्सी बनाओगे बना के देखोगे आज बना के रखना हो गया बस। माइनस पंद्रह माइनस तीस माइनस पैंतालीस माइनस साठ माइनस पचहत्तर माइनस नब्बे माइनस एक सौ पांच माइनस एक सौ बीस माइनस एक सौ पैंतीस माइनस एक सौ पचास माइनस एक सौ पैंसठ माइनस एक सौ अस्सी एक्स तेईस। यहाँ देखो तक कहाँ शुरू है ले लो सब फोर तक है नहीं वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इधर का काम नहीं है सब पॉजिटिव पर है देख लेना पॉजिटिव पर है। 0 डिग्री पर कितना वैल्यू इतना देख लो 15 पर कितना ये सब कर लेके जाना है ऊपर देखते रहना आप बना के लाना तुम लोग टाइम हो गया है आज इसको थोड़ा सा खींचना किताब में भी है देख लेना और खींच लेना थोड़ा सा हम ने तो कल बता देंगे आज टाइम हो गया है आपका इसलिए कल पुनः मिलते हैं। बाय हैव ए नाइस डे।